जिसको भी पसंद आ रही है ना ये वाली कमेंट में जरूर लिखना। यहाँ पे मैंने लगाई है ट्रेडिशनल ड्रेस, सब दीदी ने दिया है। सबसे बड़ी दीदी भी लगाई है, छोटी दीदी भी लगाई है, सेकंड दीदी भी लगाई है। पापा लोग जो है कुछ दिन और रुकने के लिए बोल रहे हैं, क्या करो लड़कियों का ऐसे ही होता है जिंदगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। मम्मी तो सुबह उठते ही पूरा खाना बनाने में लग गई है। ये देखो बाहर पे भी अभी भी सब्जी पकाएगी, तो यहाँ पे पका हुआ बैंगन को देखो इसका सीट निकाल रही है। आज हम सभी परिवार वाले जो है मंदिर पे जाएंगे और हम चारों बहनें जो है एक ट्रेडिशनल जो होता है ना अपना जो सोजे वाला वो रेड और ब्लू ब्लैक वाला, तो वही पहन के जाएंगे। चार बहनें एक ड्रेस सेम टू सेम ड्रेस पहनेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे, आगे आगे दिखाएंगे जो भी होता है मंदिर पे। मंदिर पे तो पूरा पूजा पाठ वो चलता है, तो मैं ज़्यादातर वो सब दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि हम लोग का पूजा का टाइम पे उसमें ध्यान देनी पड़ती है। तो थोड़ा दिखाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए मम्मी को हेल्प कर देती हूँ। यहाँ गैस पर मम्मी ने चावल को भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे क्या सब्जी पका रही है, ओ जो राम धनुष कहते हैं आसामिस में हो नागुलो, अभी दिखा देती हूँ। पहले हम लोग भी दिखाए थे ना वो, हाँ ये वाला सब्जी पका रही है। और पता नहीं ये करवा वाला सीत को खाना है कि नहीं, मैं तो नहीं खाती क्योंकि मेरा लो प्रेशर है। तो अभी इसको कटिंग कर लेती हूँ। देखो कल भी दिखाई थी मैंने, मम्मी तो यहाँ पे बैंगन की सब्जी पका रही है। ये देखो बैंगन की सब्जी टेस्टी टेस्टी एकदम, फर्मेंटेड फिश के साथ फर्मेंटेड फिश। तो यहाँ पे ये सब्जी तो अभी टाइम लगेगी और चावल अभी तक पके नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो टेरोरूट का जो ये डंडा है ना मैंने काट के भी रख दिया है, इसे खा सकता है। मम्मी इसकी सब्जी लास्ट में बनाएगी। और मेरी काम तो हो गई है, तो मुझे जो है नहाना भी पड़ेगी। और मंदिर पे जाने से सबसे पहले हम लोग नहा लेते हैं। मम्मी तो पूरा सुबह उठती मुंह हाथ धो के अभी खाना बना रही है और हम सभी अभी नहाएंगे। यहाँ पे देखा गुड मॉर्निंग बाबा, हेलो बोलो। हेलो, हाँ हेलो दोस्तों। नहाई है? नहाएगा नहीं। और रात भर बहुत बारिश दे रही है दोस्तों। यहाँ पे रात भर बारिश देने की वजह से पूरा फिश पॉन्ड जो है एकदम पानी गंदी हो चुकी है। मछली जो है उस साइड में कभी कभी बाहर जाते हैं, इसलिए जीजू ने वहाँ पे एक मच्छरदानी दे दिया है। और वहाँ पे देखो मम्मी खाना पका रही है और हंस वगैरह वो सब पूरा खाने में मतलब तरस रहे है। अभी उसका वो नहीं मिला है खाना अभी खाना नहीं मिला है, बहुत बारिश दिया था। यहाँ पे भी पानी इतना जमा हो गई है और फिश पॉन्ड में पूरा ये पानी का स्नैक निकल आए थे। सांग नहीं सादे, रोया है देखो, आँख फूल गया, रोया है, मुझे दे दो। हम सब रेडी हो रहे हैं, मम्मी ऐसे ही जाएगी। मम्मी ये बस ट्रेडिशनल फिनून पहनी है और मेरी सासुमा भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। हम तीनों बहनें यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, मैचिंग मैचिंग जाएंगे आज। यहाँ पे मेरा वाला रख दिया है ये देखो, और मम्मी ने 100 रुपीज दे दिया है मंदिर में देने के लिए। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मुँह पे बस क्रीम श्रीम लगाई हूँ, अभी और भी सजना पड़ेगा। अभी मैंने रेडी हो लिया है दोस्तों। दीदी ने मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस दिया है, ब्लाउज भी दिया है, कंगन भी दिया है, क्योंकि मैं अरुणाचल का घर से कुछ लेके नहीं आई थी। ड्रेस वगैरह तो वेस्टर्न वेयर लेके आई थी, बस अपना ट्रेडिशनल ड्रेस लेके नहीं आई हूँ। और एक सुहागन लड़की जो है हमेशा कंगन पहनना चाहिए, तो इसलिए मैं कंगन पहन के जा रही हूँ। वैसे भी मैं अरुणाचल पे जो है हम लोग का मंदिर जाने से पहले मैं कंगन पहनती हूँ। अभी ये देखो मेरा लुक, यहाँ पे मैंने लगाई है ट्रेडिशनल ड्रेस, सब दीदी ने दिया है। ये भी कंगन दीदी का आई है। यहाँ पे दीदी भी रेडी हो लिया है, जीजू भी जाएगा, जीजू अभी तक रेडी नहीं हुआ है। और सदर मेरा फैन देखो क्या कर रहा है, ये भी जाएगा। सदर भी ट्रेडिशनल ये शर्ट लगाया है, हम लोग कहते हैं हादी सिलूम, बहुत ही अच्छा है, कॉटन का है। और बिल्लो भी रेडी हो लिया, रागेम भी, अभी प्रीति रेडी हो रही है। देखो मम्मी लोग तो पूरा चले गए है, वो लोग आगे आगे में गए है। हम लोग अभी चार बहनों एक ही साथ में जाएंगे। बाहर पे आए हैं दोस्तों, रात भर बारिश दी थी, अभी भी इतनी गर्मी लग रही है ना, पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस जो है बहुत ही भारी है, पहनने में बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग का आदत तो रहेगा ही। और यहाँ पे प्रीति भी आई है, ये देखो ट्रेडिशनल ड्रेस लगाई है। जीजू जो है ये लोगों को बाइक से लेके जाएगा क्योंकि बच्चा जो है पैदल वो चल नहीं पाएगा, हम पैदल पैदल जाएंगे। ये देखो सबसे बड़ी दीदी भी लगाई है, छोटी दीदी भी लगाई है, सेकंड दीदी भी लगाई है ट्रेडिशनल ड्रेस, और जीजू लोग तो लगाया ही नहीं, बस हम लड़कियां ही लगाते हैं ज्यादातर। तो अभी चलो जाएंगे पैदल पैदल। सदर बाय बाय, बाइक से आना, हाँ बाय बाय बोलो, बाय बाय। हाँ हाँ, हम चारों बहनें जा रहे हैं पैदल, जीजू आगे में
और एक बड़ा जीजू जो है बच्चे लोगों के साथ आ रहा है। ये देखो रास्ता इतना डेंजर है, बारिश भी आया ना, पूरा स्लिपरी है रास्ता, तो बच्चे लोग पैदल चल नहीं पाएंगे। बाय बाय। मंदिर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, मंदिर पे बहुत ही लड़कियां भी आए हैं, लड़का भी आए हैं। अभी मंदिर पे गाना बज रहा है तो हमें जो है सबसे पहले पूजा करनी पड़ेगी, तो दिखाऊंगी आप सभी को चप्पल को कहाँ रखूं। यहाँ मंदिर का सामने में जो है भगवान बुद्ध का मूर्ति, तो अभी हम यहाँ से आशीर्वाद ले लेंगे। और बाहर पे जो है बहुत ही गाना बज रही है, पता नहीं शायद कॉपीराइट आ भी सकता है, तो अभी यहाँ से हम आशीर्वाद ले लेंगे। अभी यहाँ पे प्रेयर्स करनी पड़ेगी। हम लोग का पूजा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे घर। यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, घर में जाके खाएंगे, अभी तो वैसे भूख नहीं है। घर जाने के साथ साथ ही खाएंगे, सब जाएंगे एक ही साथ में। पहले आए थे तो कभी ओ कोई आगे आ गया, कभी पीछे रह गया, अभी सब एक ही साथ में जाएंगे। जा रहे हैं जंगलों वाले रास्ते पे दोस्तों, और रात को बहुत जोर से बारिश दिया था, उस कारण पूरा पानी जो है इतना बड़ा हो गई है। ये देखो पूरा रास्ता भी स्लिपरी है, पीछे पीछे आ रहे मम्मी पापा, मम्मी दो मम्मी एक पापा। मैंने तो ट्रेडिशनल ड्रेस भी खोल लिया है, बहुत ही गर्मी है, और ये जंगलों वाले रास्ता जो है बहुत ही कीचड़ है, तो मैंने यहाँ हाथ में ले लिया है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा वॉश करने से भी खराब होती है ना, कलर वगैरह जाती है। घर में पहुंच चुके हैं दोस्तों, और पहुंचने के बाद जो है हम लोगों ने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दिया है, मुंह हाथ भी धो लिया है, तो यहाँ पे हम लोग का लंच रेडी है। अभी खाएंगे खाना, बहुत ही भूख लगी है। मम्मी यहाँ पे देखो फर्मेंटेड फिश को एकदम पत्ते के साथ पैकिंग करके यहाँ पे फ्राई कर रही है, तो ये कढ़ाई के ऊपर में जो बाद में ये होने के बाद अंडा को बनाऊंगी फ्राई। बहुत भूख लगी है, देखो मम्मी को भी भूख लगी है, तो ऐसे होता है हम लोग का जिंदगी, खाना बनानी तो पड़ती है हर लड़कियों को। यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही हूँ, एक तो पूरा फेल हो गया, अंडा खराब था, अभी ये वाला थोड़ा ठीक हो गई है। अभी दोपहर का वक्त है दोस्तों, हम लोगों ने तो खाना खाने के बाद पूरा अपने अपने रूम पे थे, बहुत ही गर्मी दे रही है, सब पूरा नैपिंग ले रहे हैं, दिन भर पूरा थक गए ना, बहुत गर्मी दे रही है। अभी मैं इसको छीलूंगी, ये देखो मार्केट से जो मैं फ्रूट लेके आई थी खरीद के, तो अभी इसका चटनी खाएंगे। यहाँ पे मैं मिर्च की चटनी बना रही हूँ ड्राई फिश के साथ, मिर्चा भी रेडी कर दिया है दोस्तों मैंने, और मम्मी ने यहाँ पे क्या रखी है देखो, ड्राई फिश और जो फर्मेंटेड फिश वगैरह होती है ना, बिल्ली वगैरह बहुत आते हैं, इसलिए कभी कभी तो पूरा लेके जाते हैं, कभी पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं, तो इसलिए लोकल जुगाड़ बना दिया है मम्मी ने। अभी इसको छील लेती हूँ, पूरा खुशबू आ रही है इसका खुशबू, तो मैंने चटनी भी रेडी कर दिया है दोस्तों। अभी दीदी का घर पे जा रही हूँ, मम्मी लोग हम लोग का घर पे बहुत गर्मी है, इसलिए मम्मी लोग जो है दीदी का घर पे नैपिंग ले रहे हैं। अभी उठा दूंगी सबको, उठो उठो उठो, चटनी आ गया। पूरा देखो पापा भी सो रहा है, मम्मी भी, एक मम्मी उठ गई है। यहाँ पे मैंने लेके आई है चटनी, पूरा सबको उतार दिया है मैंने, अभी हम यहाँ पे सभी मिलके खाएंगे। ये देखो पोमेलो फ्रूट का चटनी, सबसे पहले मैं पानी पीऊंगी, खोल दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा करके, मैंने मिर्च थोड़ा सा दिया था, इस साल में पहली बार 2023 में पहली बार नहीं खाएगा इसको नहीं देंगे, ये अभी बच्चा है, बस हम लोग खाएंगे, पूरा खा रहे हैं और फिनिश कर दिया, देखो टेस्टी हुआ है ड्राई फिश के साथ, चटनी भी खा लिया है दोस्तों। अभी हम लोग जो है गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्द अपने घर चले जाएंगे, और मम्मी जो है पापा के लिए दवाई बना देगी अभी नहाने के लिए। और जीजू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, सब्जी धुलने के लिए, सब्जी धुलने के लिए। वाह, और बड़ा जीजू जो है यूट्यूबर बनने के लिए थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस
ये वाले जो है पूरा थोड़ा कलर गई है, ये ब्लू जो है उतना ठीक नहीं था, उस कारण पूरा कलर एकदम रेड रेड ऐसा हो रही है। और दीदी यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए दे दिया है, इसको जो है ज़्यादा डेली वॉश कर भी नहीं पाते, वैसे भी हम लोग डेली नहीं पहनते हैं, बस ये पूजा का टाइम में पहनते हैं। और मम्मी यहाँ पे ये देखो पापा के लिए दवाई यहाँ पे बस बॉयल कर रही है, इसमें क्या बोलेगा जो नीम होता है ना, नीम उसका पानी, हाँ नीम पानी निकलने पड़ती है, तो पापा जो है वही पानी से नहाएगा, उसका स्किन पे थोड़ा थोड़ा वो हो गया, ये एलर्जी वगैरह खुजली होती है। दीदी यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस निकाल रही है, ट्रेडिशनल ड्रेस ये वाली मेरे लिए है, ये देखो मुझे बहुत पसंद है, ये प्योर हैंडमेड। और ये वाली जो है दोस्तों ये देखो इतना अच्छा है ना, ये दरअसल दीदी बेचेगी सेल करेगी, इसका प्राइस बता दो 5000। हाँ 5000 दरअसल, हाँ 6000 का, हाँ 6000 का डिस्काउंट देता हूँ। हाँ डिस्काउंट दे रही है, देखो जिसको भी पसंद आ रही है जरूर कमेंट करना, मैं ठीक कर दूंगी ये वाली। हाँ देखो ये चुन्नी चुन्नी साइज का भी बहुत बड़ा है, ये देखो थोड़ा इधर से दिखा देती हूँ, हाँ इधर से अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों दीदी ने जो है बाहर आके अच्छे तरीके से दिखा रही है, ये देखो जिसको भी पसंद आ रही है ना ये वाली, कमेंट में जरूर लिखना, इसका प्राइस बस डिस्काउंट देके 5000 है, उसके बाद नीचे भी नहीं होगा ऊपर भी नहीं होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं और कमेगा भी नहीं, ये देखो कुछ इस तरह का है। दरअसल ये ड्रेस जो था ना दीदी अपने लिए बनाई थी खुद के लिए, तो अभी ये दूसरा बनाएगी सोच रही है, उस वही पैसों से अगर ये मतलब सेल हो जाएगा तो वही पैसों से एक अलग ही ड्रेस बनाएगी, अभी भी एक बार भी पहनी नहीं, बिल्कुल नया नया है, ये देखो जिसको भी पसंद आ रही है जरूर कमेंट करके लिखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों दीदी ने जो मुझे दिया है ना ट्रेडिशनल ड्रेस, मम्मी ने ट्राई किया है, कैसा लग रही है मम्मी? बहुत अच्छा है। हाँ दरअसल ये भी मैं खरीद के लेके जा रही हूँ, क्योंकि दीदी जो है बहुत मेहनत करके बनाती है अपने हाथों से, और मैं तो कभी कभी मेरा यूट्यूब से थोड़ा इजी होता है, पहन सकती हूँ खरीद सकती हूँ, तो दीदी का तो कुछ इनकम वगैरह नहीं है, बस यही है, तो इसके लिए मैं ये वाला इसका जो प्राइस है ना वो देखे जाऊंगी दीदी। और दीदी ने मेरे लिए कुछ रख दिया है, क्या है बता दो जरा। इधर है आपके लिए। हाँ ये देखो यहाँ पे मेरे लिए रख दिया है गिफ्ट, प्योर गोल्ड। हाँ प्योर गोल्ड चेन, ये देखो ये सीधा वाला चेन है, मुझे बहुत ही पसंद है, ये देखो दीदी ने भी खुद पहनी है, एक इसका नागिन का डिजाइन है, ये इसमें लॉकेट भी है पर इसमें अभी तक लॉकेट नहीं है, मम्मी का और दीदी का सेम है, ये देखो मम्मी का भी नागिन वाला ये डिजाइन है और दीदी का भी, हाँ मम्मी का भी अभी लॉकेट नहीं है, और दीदी ने मेरे लिए जो रख दिया है ना, हम लोग अरुणाचल पहुंच जाएंगे और वहाँ जाते ही हम लोग मैं और मम्मी लॉकेट बनाएंगे, ये देखो थैंक यू। हाँ अभी पहनूंगी, पूरा दो दो, पहले 150 रुपया वाला था, ट्रेडिशनल ड्रेस मिला है मुझे, बहुत ही पसंद है ये कलर। और हाँ दोस्तों जिसको भी ये पसंद आ रही है ना जरूर कमेंट में लिखना किसको चाहिए ट्रेडिशनल ड्रेस, दीदी खुद अपने हाथों से मेहनत करके बनाती है, प्योर हैंडमेड है, बहुत ही महंगा पड़ती है ये, रेडीमेड वाला तो थोड़ा सस्ते में मिलता है। और यहाँ पे भी ये पहनेगी दीदी, ये भी दीदी ने बनाए थे अपने हाथों से, ये भी बहुत सुंदर है, बस ये बेचेगी ये वाली, देखो ये ड्राई बेम्बू शूट अभी तक सूखे नहीं, ये एकदम छोटा हो जाती है, देखो कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है, इसको जो है धूप में सुखानी पड़ती है, अभी शाम हो रही है, देखो सूरज पूरा हंस हंस के जा रहे हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहन लिया है गोल्ड चेन, ये देखिए पूरा लाइफ में पहली बार पहनी हूँ और आज मैं बहुत ही खुश हूँ और थोड़ा दुखी भी हूँ, लेमो को बहुत ही मिस कर रही हूँ यार, क्या करूँ जब से वो गया है ना बस एक बार बात हुआ है, वो जिस दिन गया था उस रात को मैंने कॉल की थी पहुँचा है कि नहीं, तो पहुँच गया बोल दिया है, अभी फिलहाल वो 2 दिन हो गया ब्लॉग भी दे नहीं पा रहा है, इतना मुश्किल है, रिमोट एरिया पे गया है, तो पता नहीं कब आएगा, अभी मुझे फिर से उसको कॉल ट्राई करना पड़ेगा, तो क्या करो दोस्तों जब से यहाँ आई हूँ पूरा काली हो रही हूँ, मेरा जो ये स्किन वगैरह है बहुत ही पिंपल निकल आ रहे हैं फेस पे, और हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट हफ्ते को हम लोग चले जाएंगे अपने घर, ऊपर से रितुदी भी बहुत अकेली है और हम लोग का घर में थोड़ा छोटे मोटे काम होती रहती है, उसका हम लोग जल्दी से जल्दी वो काम निपटा लेंगे ऐसे सोच रहे हैं, तो जल्दी जाएंगे ऐसे बोल दिया है मैंने, तो पापा लोग जो है कुछ दिन और रुकने के लिए बोल रहे हैं, क्या करो लड़कियों का ऐसे ही होता है ज़िंदगी, बहुत दूर हूँ, पहले जब मैं क्लास 8 तक थी उस टाइम में पूरा हम लोग जो दोस्त का सामने में मैं दूर कभी शादी नहीं करूँगी ऐसा बोल देती, अभी देखो इतना दूर में सब
सबसे दूर मैं ही हूँ, क्या करूँ, इतना रोना आती है ना। अभी देखो जाने का ही मन नहीं है फिर भी अपना घर है, वहाँ पे जाना ही पड़ेगी और दोस्तों अभी दिन में कुछ करने को है नहीं, मुझे जो है फ्रेशअप भी होनी पड़ेगी और डिनर की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये लड़की का बात ऐसे ही होता है ना, पूरा आंखों से आंसू निकल आते हैं कभी कभी अभी मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, उम्मीद करते हो आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा ब्लॉग। तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।